अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त व कुव्वत ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नपुंसाने ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों को किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते और पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान नाक आज़ा काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडियाँ बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ना औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थीं। अरब के बाज़ कबीलों में यह ज़ालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीक झोपड़े में एक साल तक कैद में रखा जाता था। वह झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल करती थी, न कपड़े बदल सकती थी। खाना पीना और अपनी सारी ज़रूरतें इसी झोपड़े में पूरा करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं तो एक साल के बाद इनके आंचल में ऊँट की मैगनियाँ डाल दी जाती थीं और इनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊँट की मैगनियाँ फेंकती हुई चलती रहें। या इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत ख़त्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की ख़राब और तकलीफ दे रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी, और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थीं। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक ज़ालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में औरत के लिए फ़र्ज़ था कि वो ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा यानी शौहर की पूजा करती रहे और शौहर की मौत के बाद उसकी चिता की आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। गर्ज पूरी दुनिया में वो बेरहम और ज़ालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन ज़ालिमों के दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मज़लूम और बेकस औरतों के मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में ना तो औरतों के कोई हुकूक थे, ना इनकी मजलूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हज़ारों बरस तक ये जुल्म व सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती, बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं। मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। न दुनिया में भी कोई इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाल ज़ार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि वो रहमत खुदाबंदी का इंतज़ार करे कि गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब नमूदार हो जाए और लाचार औरतों का
सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए। चुनांचे रहमत का आफ्ताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक महसूस किया कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। इस्लाम के बाद औरतों का हाल, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म व सितम से कुचली हुई और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदो बाला हो गया कि इबादात व मुआमुलात बल्कि ज़िंदगी और मौत के हर मरहले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो गईं और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदाबंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामिक कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गईं। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए, चुनांचे औरतें अपने महर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गईं और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहर की विरासतों की वारिस करार दी गईं। गर्ज वो औरतें जो मर्दों की जीवतियों से ज़्यादा जलील ख्वार और इंतहाई मजबूर लाचार थीं, वो मर्दों के दिलों का सुकून और इनके घरों की मलिका बन गई। चुनांचे कुरान मजीद ने साफ साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से बीवियां पैदा कर दी ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हासिल हो और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बतों व शफ़क़त पैदा कर दी। औरतों का मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अच्छे सलूक के साथ, और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दिया कि और अच्छे सलूक से औरतों के साथ ज़िंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियां बीवी की इज्तिमाई ज़िंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है ताकि निज़ाम खानादारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसीलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपने इज्तिमाई ज़िंदगी को शादमानी व मसरत की जन्नत बना दें और निफाक व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें फिर भी वो इस अजीम शान एहसान की शुक्रगुजारी के फ़र्ज़ से सुबुकदोश नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिन आज़म हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रहमत का क्या कहना। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का ये वाकया आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वाकये से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इससे दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।